महारथी अर महानृपारा कनक अवट सांचे जन टारा आत सुंदर जन मदन स्वरूपा जान कबेर रूप के भूपा बहुविध करे जग विस्तारा विधवत होम दान मकसारा धर्म तुजा जय तहां विराजी इंद्रावती निरख दुत लाजी पग पग जग खंभ को गाडा कर कर अन्न साल कर छाडा भूखा नांग जो आवत कोई तत्सिन इच्छ पुरावत सोई जो जेह मुख मांगा सो पावा बिमुख आस पिर पिशक न आवा ताम ताम तुझ धर्म बंधाई धर्मावती निरख मुरसाई मूरख कोई रह नहीं पावा बार बूढ़ सब शोध पढ़ावा कर कर होत पई हर सेवा जह तह मान सबै गुरदेवा कर कर होत पई हर सेवा जय तह मान सबै गुरदेवा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो मर्जी हो। श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास जी हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन बिघनन के नाशक बिघनन दो तीन फुट पीछे
हर गोबिंद शुभ सुमत श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाय गुरु तेग बहादुर साहिब जी परम कृपाला जी परम श्री गुरु गोबिंद सिंह भरों धरा पर पुन पुन सीसा जी बंदों बार बार जिसमें अमृत ज्ञान है माणक श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों कर एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए डिठे मन तीरिए खिल विख बइयन दूरे सो क्यों विसरै माओ श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा श्री सतगुर ले बाज को सौंप्यो मीर शिकार खान पान कर कै पले बिसरा में सुखतार परम सम्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालिक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारयां दे सिर ते मरहमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन वी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी दे मेहर सदका बख्शिश सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते सदाए खास महाराज जी दे हुक्मनामे आप जी ने झोली च पवाए हन कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे पावन सेवें जामे सेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां अमृत जीवन कथड़ियां बाबाणियां कहानियां गुरु इतिहास विचार राही
गुरु दीदार दी बरकत झोली च पै सके, एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात प्राप्त होवे। इसलिए जितने माता प्राता सतगुरु जी दे चरणां दी हाजरी भर रहे हो, इस तरह दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा शीश गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिआ है। ते साहिब जीआं ने मेहर भरिआ हत्थ साडे सिर ते रखिआ होइआ। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होइआं गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक प्रेम सहित सरवण करदिआं आप जी ने इतना सरवण किया कि मेरियां पीरियां दे दाते संसार ते अकाल पुरख दा तखत प्रगट करन वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुरु सर महाराज मालवे दा जंग जित के अनेकां ही पहलों दे पहले जामे दे सिखां नूं तार दे होए भाई जोध राय जी, भाई रूप चंद जी, भाई साधु जी दियां भावनावां नूं फल लाउंदे होए आप लुधियाणा गुजरवाल पहुंचे ते उत्थे एक फतूही नाम दा राहक किसान जिसने महाराज जी दे दर्शन कीते नाल बाज लियाया अपना। महाराज ने वो बाज मंग लिया ये देखण वास्ते कि इहदे मन विच पदार्थ दी पकड़ कितनी है, जे है तो उसनू दूर करना है। महाराज नू वस्तुआं दी कोई लोड़ नहीं है भी यह चाहीदा है यह चाहीदा है। जब कोई प्रेम सहित भेटा करे तो महाराज उसकी भेटा नूं प्रवान कर लेंदे हां ते नाल अपने सिखां दे हिरदे चों हंगता ममता पकड़ आदक भी दूर करदे ने। उसने बार बार महाराज जी नूं कहा, महाराज ये बाज तां मैं दे ही नहीं सकदा, मेरे कोल तां इक्को एक बाज है ते बड़ा सिख्या होया बच्चियां दी तरह मेरे नाल रहिंदा है। महाराज कहन लगे, कोई गल नहीं, जे साडा होवेगा ते आपे ही आ जाएगा। उसने घर पहुँच के बाज नूं अड्डे ते बिठाया ते उत्ते रेशम दा एक डोरा पिया सी बाज बनण वाला, जिस विच लोहे दियां छोटियां छोटियां रिंग सन। उस समेत सब कुछ वो डोरा निकल गया ते मरण हक्का हो गया, बेहोशी तारी हो गई। ते फतूही ने सोचिया भई किधरे ऐसा ना होवे। महाराज ने कहा सी मैं उधरों भी बेमुख रह जावां ते मर भी ये चलिया ते मरदे मरदे नूं चुक के भजदा भजदा महाराज जी दे कोल आ गया ते आख्या, महाराज थोड़ा ही है मैं भुल गया, जे बचदा है तां बचा लो। जिवें किसे मनुख नूं आखीदा ना बई ये तू क्यों खा लिया, बाहर कढ दे। महाराज ने इस तरह बाज नूं अपने हाथ दे दी ते बिठा के ते आग्या दित्ती, तू क्यों खा लिया, नहीं खाना सी, ते जिवें खाधा है अपने मूँह चों बाहर प्रगट कर दे। उसने झटपट डोरा उगल दिता। बाज नौ बर नौ हो गया
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇ ਬਾਜ ਕੋ ਸੌਂਪਿਓ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਬਿਸਰਾਮੇ ਸੁਖ ਧਾਰ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਸਾਨੀ ਛੰਦ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸੋਚ ਸੁਨਾਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਮਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਹੋਏ ਸਭ ਧਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, 13 ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 13 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੌਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰੋ।
इस तरह महाराज जी ने सावधान होके जप किया। वस्त्र शस्त्र पहरे प्रभु है निकट मंगायो। इस तरह महाराज सचे पातशाह सवेरा होया, दिन चढ़िया, जप करन तो बाद सोने खूबसूरत वस्त्र पा के बेशकीमती निमाणे दा माण बनन वाले शस्त्र सजा के ते अपने कोल अपना प्यारा घोड़ा मंगवा लिया। नाम जान पाई तरयो नीके और पायो। बड़ा महाराज नूं चंगा लगदा जान पाई नाम रख्या है घोड़े दा। भए अरूढ़न सतगुरु धौंसा धुंकारा। वड्डे कूच दे नगारे वज पए सारे सैनिक महाराज दे बहादुर बाबा बिधी चंद जी आदक सारे जड़े सन महाराज जी दे नाल ही तैयार हो गए चाले पौन वास्ते। सकल बानी सुन चढ़ी हथियारन तारा। कोई भी सिपा सलार कोई सिपाही बाकी नहीं रहा जेड़ा महाराज जी दे नाल चलन लई तैयार नहीं होया। असलियत तो यह है सारे पहले ही तैयार खड़े सन कि महाराज जी ने जिस वेले आग्या कीती नगारा वजाउण दी चोब लाउण दी असी पिछे ना रह जाइए ते महाराज जी दे नाल नाल हर एक सूरमे विच ये चाहो है भई महाराज जी दे घोड़े तो बाद वाला दूजा घोड़ा मेरा ही होवे। हर एक दे मन विच ये चाहो है। इस तरह सारी सेना ही हथियार बन के तैयार है। गमने मार्ग में तवे अर करत अखेरा। इस तरह अखेर बिरत करते हुए रस्ते विच महाराज चलते जा रहे हैं। नवे बाज को छोरते पिखलवा बटेरा। कोई एक पंछी है निका जिया जिन्हों बटेरा कहते वो देखते ने ते फिर जेड़ा नवा बाज महाराज लैके आए ने फतूही राहक कोलों ओ उसदे मगर छटदे हन शिकार लई। पंछी पिखै सुकाब को छोरै तेह पाछे। जे किधरे सुरखाब पंछी मिल जांदा है ते ओहदे पिछे छटदे क्योंकि सुरखाब दे पर बड़े सोहणे हुंदे सुरख रंग दे और जल रंगे इस तरह ओहदे पर हुंदे ने सफेद ते सुरख। वह फिर तीर की बागड़ विच लगाउण वास्ते भी बड़े सोहने लगते ते उस नाल तीर सीधा निशाने ते जांदा है। ये पंख चिकनाहट विच होंदे ने ते हवा दे स्पर्श नाल फटदे नहीं उन्हां दे रेसे वख वख नहीं होंदे। इसलिए भी महाराज सुरखाब दे पंख लैण लई भी इस बाज नूं छट दे हना। छपटत है कर बेग को दिखरावत आछे। और इस तरह दे नाल झटपटे बाज जेड़ा नवा प्राप्त होया बड़ी तेजी नाल झपटदा है ते बहुत सोहने कौतक दिखाउंदा है। सने सने मग मैं चलत इम करत बिलास है। और इस तरह आस्ते आस्ते महाराज चलदे भी जा रहे ने ते हास बिलास भी करदे जा रहे हैं। खेलत पए शिकार को अब लोक तमासे। महाराज सचे पातशाह खेल देखदे देखदे अखेड ब्रत करदे हुए जथा करम मग उलंगते सलता तट आए। फिर इस तरह सारा सफर तय करदिया होया दरियाए सतलुज दे किनारे मेरियां पीरियां दे दाते पहुंचे हन। करन बाहने पार सब के वट समुदाए। और इस तरह पतन ते बहुत सारियां बेड़ियां लैके मला तैयार हन। कोई आवे पार कराउंदे हन इन्हां कोल बहुत सोहणियां सोहणियां बेड़ियां ने रंग बिरंगे रंगां नाल रंगियां होईयां। उन्हां दिनां विच इस तरह बेड़ियां नूं बड़ा शिंगारिया हुंदा सी पत्तणा तो लोकी पार हुंदे सन ते मला लोक अपने रिजक दा साधन समझदिया उस नूं बड़ा शिंगार सवार के रखदे सन। वह बहुत सारियां बेड़ियां लैके जब देखिया भई सारी सेना ने
पार होना है ता पहुंचे हना धरनी कीने कत्र बावा वै एक जाई। उन्होंने लगे लगे दे सारे मलावां दियां बेड़ियां इकट्ठियां कर ली। कुछ बेड़ियां आ रही हैं सेना नू पार उतार के कुछ लेके जा रही हैं। सुबटन सहत पवंग मन दे पार लंघाई। और इस तरह घोड़िया समेत बेड़ियां नू पार बेड़ियां वाले पार सेना नू कर रहे हैं। किधरे तो सवार घोड़े ते ही खड़े ने भी असी नहीं बेड़ी च बैठना घोड़े ते ही रहना। इस तरह मन मौजी सुभा हास विलास करते हुए बेड़िया च बैठ के पार जा रहे हैं। ओत कुलाहल घाट पर भरपूर चलावे। मलाह जड़े ने उची उची आवाजा दे रहे ने भी पहले मेरी बेड़ी ते बैठो, मैं पहले चलदा, मेरी बेड़ी ते बैठो। ते बहुत वड्डी आवाज कुलाहल हो रहा है। जाए उतारत पार तट पुन तोरन लियावे। चटपट पार उतार के फिर होर सेना नु लैन आ जांदे हन। बिद के तक काल मैं सब पार लंघाए। इस तरह ही कुछ समय च ही सारी सेना नु पार लंघा दिता। श्री हर गोविंद होत पुन तरनी सुब लियाए। फिर गुरु हर गोविंद साहब महाराज जी दे बैठन वास्ते ओ बेड़ी लियाए जड़ी बिल्कुल नवीन सी, बहुत सोहना उसते कपड़ा भी चंदोए दी तरह लगाया होया सी। ते बहुत साफ वधिया सोहने अंदर तख्ते ला के उपर गद्दे बनाए हुए सन। ते अजे इस बेड़ी ते होर कोई पार नहीं उतरिया सी, कोई होर मुसाफर नू अजे पार नहीं किता सी। अजे बिल्कुल नवीन कोरी बेड़ी लैके पहुंचे। दी नवीनी दीर्घ गाबा रंग लगाए। बिल्कुल नवीन सी ते वड्डा बेड़ा सी ते बहुत सोहने रंगा नाल रंगिया होया। तुरके सुरके हित जो आछी बनवाए। और इस करके बनवाई सी भी कोई बादशाह कोई उमराव कोई राजा महाराजा लंघे ते बेड़ी उस वास्ते हैगी उसनों लंघाउण वास्ते। पर ये पता नहीं सी कि सहनशाहां दे सहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब लंघण वास्ते आ जाणगे। ते मलाह बड़े खुश होए, बड़े श्रद्धा नाल भरे होए सन। ते आख्या महाराज सच्चे पातशाह ये नवीन बेड़ी है वड्डी बेड़ी आप जी वास्ते लियाए हाँ। प्रसन्न गुर को करन तट पर थिरकारी। और इस तरह दे नाल महाराज सच्चे पातशाह नू प्रसन्न करन लई ओ निहायत ही खूबसूरत बेड़ी जिसनू बेड़ा भी आख्या जा सकता है किनारे ते लिया के खड़ी कर दिती। हाथ जोर कै वट तवे इम बिना उचारी। मलाह ने हाथ जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा ते सजदा करदिया होया नमस्कार करदे होया बेनतियां कीतियां गल पल्ला पा के। महाराज सब बाहनी हम पार लंघाई। आख्या सचे पातशाह सारी सेना ता पार लंघा दिती है, हुण कोई सिपाही बचिया नहीं है इस पासे। रावर केर चढ़ाव नो इहो तरनी आई। महाराज सचे पातशाह जड़ी बिल्कुल नवी बेड़ी आई है जिस ते अजे तक किसे ने पैर भी नहीं रखिया सब तो पहले आप जी दे चरण पै रहे। आप इस बेड़ी विच चरण पाओ। दिन सारे मैं पार कर अब पार कर चढ़ी जय। इस तरह दे नाल बेनती कीती भी दिन सारे मैं पार कर, सारा दिन लगा के सारी सेना पार कर दिती है। ते महाराज हुण आप इस बेड़ी ते चढ़ो ते पार होवो। सलता सत द्रव दीर्घ चढ़ पार करी जय। महाराज सच्चे पातशाह बड़ी चढ़ी हुई नदी है सलता। सतद्रव मतलब सतलज, और सतलज का मतलब सत नहीं हैगा भी छे सत जिहड़ा असीं गिणदे आ, इहदा मतलब है सौ। सतलज भाव सौ तरह दियां नदियां, सौ तरह दे जल तारावण जिस विच आ के मिलदियां होवन उहनूं सतलुज कहते।
महाराज सच्चे पातशाह बहुत भरी हुई, बड़ी वड्डी नदी है, आप इस नवीन बेड़ी ते बैठ के पार हो। सुन के भटकी बिना को उठ चले कृपाला। कृपा दे महासागर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आख्या असी भी इसलिए बैठे हुए हाँ इस किनारे ते, भई साडा कोई संगी साथी, कोई सैनिक सिपाही, कोई सिख रहता नहीं गया। महाराज देख लो साध संगत जी, गुरु पातशाह अपने सिखां दी राखी भी कर दे, भई कोई रह ना जाए, ऐसा ना होवे असी चले जाइए ते अगला पिछे रह जाए। ते केवल उस दिन किनारे दरिया दे ते ही राखी नहीं करदे पए, सतगुरु पातशाह अज भी अपने सिखां दी राखी करदे ने, किसे नू नरक च नहीं पैण देंदे, किसे नू दुख विच नहीं रहण देंदे, ते हर तरह नाल माण सन्मान दे के, धन दौलत पदार्थ दे के और शरीरक अरोगता दे के महाराज निवासदे हन। सैल करावत नीर केले चले बिसाला। ते फिर पानी विच कदी इधर नू लै जांदे ने, कदी इधर नू लै जांदे, ते महाराज सच्चे पातशाह मलाह वल देखदे ने ते मुस्कुराउंदे ते आखण लगे है खेवट है मलाह, बेड़ी इन्नी देर विच पार लगाउंदी है, दरिया तो इतना वड्डा नहीं। ते देखिया मलाह दे नेत्रां विच दो आंसू भी हैगे, ते हाथ जोड़ के कहण लगा सच्चे पातशाह बड़ी वारी मुसाफरां नू पार कीता है, व्यापारियां नू पार कीता है, सैनिकां नू पार कीता है, राजयां महाराजयां नू पार कीता है, पर सच्चे पातशाह अज तो पहला जिन्हां ने भी पार किया है मन में यही रहा भई जल्दी पार करके ते दूजा पूर लैके जावा। पर महाराज सच्चे पातशाह पता नहीं की गल है, की थोड़ी कृपा हुई, अज मन करदा मैं दरिया विच ज्यादा तो ज्यादा देर थानू सैर करावा, ते मेरा मन नहीं करदा कि मैं जल्दी जल्दी थानू पार कर देवा। इहदा मन श्रद्धा नाल भरिया होया है, जल दी सैर करवा रहा है, जल दी सैर करना होर गल हुंदी है ते पार होना होर गल हुंदी। इस ढंग दे नाल जल दे विच महाराज जी नू सैर करा रहा है। प्रसन्न सतगुर करे गन दरब दिवाए। महाराज सच्चे पातशाह बहुत प्रसन्न होए ते आखण लगे गल ए हकी है, असी अगे करतारपुर पहुँचना है, नगर विच पहुँचना है, ते सानू तो हुण जल्दी पार कर दे, साडा रस्ता लंबा है, ते तेरी भावना सानू प्रवान है, ते बहुत सारा धन महाराज ने दिता। लीन रजत पन पंच सह के वट हर खाए। महाराज सच्चे पातशाह नू कहण लगा जी किसे वड्डे तो वड्डे सैनसा नू भी पार उतारन दा इतना आनंद नहीं कदी आया जितना अज आया, ते मैनू नहीं लगदा वी मेरी बेड़ी विच कोई मनुख पार हो रहा है, बल्कि मैनू तो इंज लगता है भी खुदा ने मेरी बेड़ी नू भाग ला दिते। वाकई दे विच दो राय भी नहीं है, गुर परमेसर एको जान। ते महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या फिर लै तेनू इतना धन देंदे आ कि अज तक तेनू किसे पार उतरन वाले ने दिता भी नहीं होना। आख्या महाराज तुहाडा चरण पै गए, दर्शन हो गया, यही सब तो वड्डा मेरे लिए सरमाया है। महाराज जी ने बावजूद इस दे ए कहण दे 500 मोहरां झोली विच पा दित्ती। उस जमाने साध संगत 500 सोने दियां मोहरां दा अज किन्ना क मुल होवे, अनगिणत धन महाराज सच्चे पातशाह ने झोली च पा दिता, ते आखण लगा मेरी बेड़ी तां धन नाल ही भर गई। महाराज जी ने इस तरह प्रसन्न कर दिता इन्हां नूं, बहुत प्रसन्नत होए। तेरे पार करार पर सत द्रब जल हेरे। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जल विच सैर करदे करदे हौली हौली
परले किनारे जा पहुंचे हन दरिया सतलुज दे सकल बानी रुचर थल की नस जैं डेरे ते बहुत इस तरह दे नाल बहुत सोना थां वेख के टिकाणा कीता है खान पान सतगुर करे तै निसा बिताई फिर इस तरह भोजन बनिया लंगर तैयार होया समा दे सोदर दे दीवान सजाए गए रोज दी रूटीन सी महाराज दी जिथे जाते पहले पंडाल लग जाता महाराज जी का सिंघासन लग जाता तो महाराज बिराजदे ते सौदर समय का दीवान सजदा फिर अमृत वेले का दीवान सजदा फिर चाले पौंदे इस तरह महाराज जी आके बिराजे हन रात बिताई है प्रात कर सौंच को मज्जै गोसाई देख लो कोई दस बंद ने इस पावन निशानी छंद दे जिस विच चार वारी भाई जी ने अमृत वेले दे जागण का जिक्र किया इहदा मतलब है कि अमृत वेला बहुत वड्डी दात है जिहदी झोली च पै जाए उस नालों वडभागा दुनिया ते होर कोई नहीं है जेड़ा मनुख अमृत वेले जागदा है ते उस तो भी वड्डियां भागां वाला जेड़ा जाग के सवेरे जपदा है और नाम दी ताकत कम करदी है साध संगत दी अज विजय दशमी है ते रावण दहन किया जांदा है सारे देश विच एक याद हैगी एक परंपरा चलदी आ रही है के बहुत वड्डियां सेनावां सन रावण दे कोल बहुत वड्डा बल सी सोने दी लंका आखी जांदी है ते कोई योध्यां दा सूरमियां दा घाटा नहीं सी तीर अंदाजां दा ते श्री राम दे कोल सेना केड़ी हैगी एक हनुमान ने एक नल नील ने जामवद ने ते बाकी दी सारी बंतर की सेना पर जित हुई श्री राम दी कारण की है क्योंकि नाम उन्हां दे कोल हैगा नाम नाल जित होंदी अज सारे भारत विच ये याद मनाई जांदी ते रावण दहन कीता जांदा है इहदा मतलब साध संगत जी जो मैनू समझ आए वो तो यही है कि भावें बहुत धन होवे भावें बड़ा ज्ञान होवे भावें बहुत शक्तिशाली कोई होवे जे नाम नहीं है तो वह जीवन सड़न वर्गा ही होता वो खाक ही हो जाता है तो जे नाम हो फिर खाक नहीं फिर खुदा हो जाता अज विजय दशमी का दिन जड़े सारे भारत में मनाया जाता है और लोग बड़े चा नाल दशहरा देखण जाते पर कौन दसे भी सजना एक बहुत वड्डा सबक हैगा जे नाम कोल नहीं तो फिर ऐ सड़न वर्गा ही जीवन हैगा अज होर भी खबर आई है किधरे कोई महाराज जी दे सरूप की बेअदबी करन वास्ते आया तो निहंग सिंघां ने उन्हें सौदा ला दिता मैं अर्ज करा किता की जावे भावें किसी दे कतल विच किसी दी जान जान दे हक विच दुनिया का कोई बंदा नहीं हो सकता पर बार बार जे धर्म स्थाना की कोई बेअदबी करे धर्म ग्रंथा की कोई बेअदबी करे गुरु ग्रंथ साहब वर्गे सांझी वालता दे रहबर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करे तो फिर यो जे कारनामे तो सामने आ ही जाएंगे असी इस गल नाल कोई मैं अर्ज करा सहमति नहीं व्यक्त करते भाई बड़ा चंगा हो गया बंदा मर गया या खत्म हो गया वो अपनी मौत आप सहेड़दा है जेड़ा धर्म स्थाना की बेअदबी करता है क्योंकि इत्थे बेअदबी करन नाल नहीं इत्थे आके अदब करन नाल झोलियां भरदियां ने ये संसार का पागलपन है और इंतहाई पागलपन है कोई भी संसार दे किसे धर्म ग्रंथ किसे धर्म स्थान की जे बेअदबी करता है तो उस नालों वड्डा गुनाहगार होर कोई नहीं भावें कानून अपने तौर पर उन्होंने सजावां भी देता है पर मैं अर्ज करा फिर भी जेडे श्रद्धालु होंगे ने उन्होंने भावनावान जब ठेस पहुँचती है तो एक बार नहीं बार बार पहुँचती है इसलिए संसार दे लोग सावधान होवन
ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਪਹਿਰ ਕੈ ਆਰੂੜ ਤੁਰੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਰੂੜਤ ਹੋਏ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ ਕੋ ਜਸ ਗੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਕਰਮ ਮਗ ਕੋ ਲੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਰਚਿਓ ਬਨਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵਣ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੰਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਜਹਾਂ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਬ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਅਰ ਪੌਤਰ ਅਛੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਕਬ ਕਰ ਹੋ ਅਗਵਨ ਕੋਈ ਮਚਹਿਤ ਘਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਵਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੂਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਤੇ ਧੌਂਸਾ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਤੁਨ ਕਾਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੈ ਕਰ ਅਗਵਨ ਗੁਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਰਾਚੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰ ਗਏ ਵੀ ਨਿਸੰਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਮੋਰ ਕਨ ਕੋਰ ਤੇ ਕਰ ਸੋਰ ਬੁਵਾਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਰ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਤ ਦੌੜਤ ਨਰ ਫਿਰੈ ਕੋ ਕਾਹੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਕੁਲਾਹਲ ਆਪ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗਰੇਪੁਰ ਮੈਂ ਸੁਧ ਪਈ ਸਭ ਤਿਆਗਿਓ ਕਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਤਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੇਖ ਬੇ ਰਹੀ ਅਤ ਨਿਜ ਰਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਈਅਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੜਿਓ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਂਢੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਤੁਰਤ ਚੜ ਮੰਗਵਾਏ ਤੁਰੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਝਟਪਟ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੜ ਚਲੇ ਹੋਏ ਇਨਕੇ ਸਾਥਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਂਢੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਭਾਵ ਤੇ ਅਵਲੋਕਨ ਨਾਥਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਭਾਵ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਅਗਾਉ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਪੰਗਜ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਪੇਖੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਭਨ ਸੋ ਆਗੇ ਤੁਨ ਚਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕਰਤਾਰ ਪੁੱਲ ਨੂੰ। ਨਿਕਸਪੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰਗਮ ਨੇ ਪਗਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਗੇ ਆਵਤ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ ਅਗਏ ਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰਸ ਤੇ ਤਰਮੋਦ ਘਨੇ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਕਰ ਪ੍ਰੇ ਬਾਕ ਬਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਕਰ ਪ੍ਰੇ ਬਾਕ ਬਿਸਾਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੱਜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜ ਸੋਭਾ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਸਭ ਪਸ਼ਚਾਤ ਕਰੇ ਕਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਤਰ ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਰ ਜਨ ਉਦਯੋ ਸੋ ਚੰਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਦਰ ਦਰ ਦਾਰਾ ਖਰੀਲੇ ਮਾਲ ਬਿਲੰਦ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ ਦਰ ਦਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਜ ਦਰ ਦਰ ਦਾਰਾ ਖਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਰਾਵਤ ਗੁਰ ਕੋ ਗਰੇ ਗਨ ਪੁਸ਼ਪ ਬਸਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਮਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਜੋ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ते नाले उपर खिड़कियां आदक वेच खड़े होके सत्ता तो फुलां दी बारिश कर रहे हन। बार बार करे आरती सनमुख दरसावे, और हर दरवाजे दे अगे बार दा मतलब दरवाजा ते दूजे बार दा मतलब जला के चराग जला के हर दरवाजे दे अगे जिथों महाराज लंघदे ने उन्हां दी आरती उतारी जा रही है, और सनमुख दरसावे ते महाराज जी दे सनमुख दीदार कर रहे हन। बलहारी होए प्रेम सो गुर मूरत हेरै, ते बहुत सदके जा रहे ने ते महाराज जी दा दीदार कर रहे हन। सुनी लराई तुरक गन कर फती घनेरै, और इस तरह दे नाल ए भी सुनदे पए ने भी बहुत सारे तुरकां दीआं सेनावां महाराज जी फतेह करके आए हन। सादर सबन बिलोक तो बोलत किछ हा के साथा, और इस तरह दे नाल सादर सबन बिलोक ते बोलत के साथा बहुत सन्मान सहित महाराज जी नाल बचन करदे ने, ते महाराज भी बड़े प्रेम नाल अगों सब दे सवालां दे बचनां दे जवाब देंदे। बड़ा आनंददायक माहौल बनिया होया है। आप बाकी विचार आप कल सरवण करोगे, इस वेले वक्त का तकाजा है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग गुरमुख प्यारे जथेदार अवतार सिंह जी हित आप जी तो मुखातब होंगे। आओ उन्हां तो पहला दो मिनट वास्ते सारे मिल के महामंत्र गुरमंत्र दे जाप करिए। उन्हां दे नाल सीनियर मीत प्रधान सरदार जगजोत सिंह जी सोही, और जनरल सकत्तर सरदार इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर, और गुरु घर दे सुपरडेंट सरदार दलजीत सिंह जी आदिक होर भी पतवंते सज्जण पहुँचे हुए हैं। उन्हां दे विचार आपां सुनने ने। पेशतर आओ दो मिनट सारे मिल के महामंत्र आ जाओ गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए। आ जाओ, तुहानू ही बुलाया प्रधान जी, आ जाओ तुसीं, आ जाओ आ जाओ। सिलीगुड़ी दे पंज गुरुद्वारियां साहिब जी दे मुख सेवादार जी भी पहुँचे हुए हैं। उन्हां दा भी महाराज जी दे घरों बहुत बहुत स्वागत ते बहुत बहुत सन्मान है। दो मिनट वास्ते सारे महामंत्र गुरमंत्र नाल जुड़िए। कल सवेरे बिलावल चौंकी दी हाजरी भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी रजौरी नगर दिल्ली वाले भरनगे। कल शामी सोधर दी चौंकी ते परसों सवेरे जिहड़ी है बिलावल दी चौंकी हाजरी भरनगे। बहुत निर्मल आत्मा बाणी पढ़न वाली आत्मा है, आप लाभ प्राप्त करोगे। वाहे गुरु, 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी के चरण कमलों का शुकराना। आप जी ने मेहर करदिया अपने घर दिया हाजरियां बख्शियां हन। समूह संगतां दिया हाजरियां प्रवान करो, दरों करो मेहरा नाल निवाजो। सही प्यारे मेलो जिन्हें मिलिया आप जी का नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का पला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। आओ जी।